नमस्कार, मेरा नाम विनोद शुक्ला और एक बार फिर आपके सामने एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट के सामने साथ रायपुर से हैं। और आइए जानते हैं सर का नाम क्या है, कहां से हैं और क्या करते हैं। सर क्या नाम लिखते हैं आपका? मैं कन्हैयालाल कुशवाहा करके लिखता हूं। कहां से हैं सर? मैं रायपुर में, कहां पे? रायपुर में रामनगर थाना में रहता हूं। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? काम तो मेरा नाश्ता सेंटर का है। नाश्ता सेंटर का है। और सर के बेटे हैं, क्या नाम है सर आपका? सर ग्रंथ कुशवाहा नाम है। जो क्या पढ़ाई किए हैं और क्या? सर मैं बी फार्मा किया हूं सर। जी, और मेडिकल का कंप्लीट करके आप मेडिकल स्टोर के बारे में सोच। और हमारे साथ में उमेश जी, जिनके माध्यम से सर लोगों से मुलाकात हुई। आइए जानते हैं सर को क्या तकलीफ थी और कितने समय से थी। सर क्या दिक्कत थी आप जब आए थे? तो हमको देखिए बहुत टेंशन वाला काम जो होता ना सर, तो कभी कभी क्या है दिमाग में दुनिया भर का वाइब्रेशन पैदा रहता है और सभी को छोड़ के कोई एक चीज नहीं कर पाता है। तो अभी जब आप आए थे तो बता रहे थे कि जब फुल्की का ठेला आप लगाते हैं और बैठ के काम करते हैं तो आपका ये गर्दन टेढ़ा होने के कारण क्या तकलीफ होती थी? टेढ़ा ऐसा रहता तो साला यहाँ दर्द रहता सर, यहाँ पे दर्द रहता। तो आपका हमेशा ये दर्द बना रहता था? हमेशा। और पेट में क्या प्रॉब्लम थी? गैस की रहती। जब 8-10 घंटा आप खड़े रहोगे ना जी, तो पेट में शिकायत रहती गैस। तो आप जब खड़े होते थे तो कहाँ पे दर्द महसूस होता? यहाँ पे सर, ये हमेशा बना रहता था। अभी भी जब आप आए थे तो यहाँ पे भी बहुत दर्द था और साइड में भी दर्द था। साइड में था और यहाँ पे, और ये पीछे साइड में पूरा लंगस खींच रही थी, दर्द था ये, है ना। और शरीर पूरा जकड़न जकड़न सा ऐसे लग रहा कि बंधा हुआ है और फ्री महसूस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, सही है कि नहीं? और वजन वजन लग रहा था, वजन वजन। तो उसके बाद में अभी हम लोगों ने कुछ औषधियां सबको पिलाया, आपने यहाँ लिटाया, और औषधियां पिलाने के बाद हमने थोड़ा सा सबको एक बार चेक किया। उस समय इनकी नाभि भी बंद थी और काफी इनको तकलीफ थी। और मुझे लगता है कितना समय हुआ होगा सर उस चीज को इस्तेमाल किए? ये अभी क्या 30 या आधा घंटा मान लो, आधा घंटा तो हाँ आधा घंटा। और आधा घंटे के बाद अभी जानते हैं क्या रिजल्ट है। सर क्या आपकी गर्दन का दर्द है? पहले होता था? अरे पहले तो यहाँ लगाता था, थोड़ा सा ऐसा लगता था अरे यार दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है? अभी जैसे पूरा दबाने पे भी नहीं हो रहा है? पूरा दबाने तो भी दर्द। अरे यहाँ बगल में कहीं, अरे कुछ दर्द कहीं छुपा तो नहीं है? देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं गायब हो गया। पहले यहाँ लगा ना तो काफी दर्द करना। अभी उठ कर देखिए कैसा फील हो रहा है सर? जबड़न जबड़न से लग रहा है? नहीं नहीं, एकदम हल्का, एकदम पेट में एकदम हल्का, पर मोटापा जो था ना उसमें अब मोटापा नहीं। और गर्दन का कैसा लग रहा है? गर्दन में हल्का लग रहा है। पीठ का दर्द गायब हो गया? अभी गायब हो गया, तोड़ दिया ना आपने ऐसे सही। और मैं आपको ये बता रहा हूँ की ये SLPS की औषधियों का रिजल्ट है दोस्त। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा सर, इतना भरोसे के साथ यहाँ पे आए थे। और रायपुर शहर के अंदर में मेरा आगमन रहा है। आज कौन सी तारीख है सर? आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर 2022 का ये जबरदस्त रिजल्ट है आपके सामने। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर जिस तकलीफ के साथ में आए थे अभी वो पूरी तकलीफ गायब हो चुकी है। 100 में से कितना परसेंट आराम हो गया सर? पूरी पूरा है, 100 में से 100% आराम हो गया आधे घंटे के अंदर। तो दोस्त क्या कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए कि ये दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी दवाई। और मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए दवाई, हर आदमी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये दवाएं बहुत अच्छी है। SLPS की हर दवाएं आदमी को जड़ से ठीक करती है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, इसकी सही मात्रा जरूरी है। अच्छा। और कैसे देना जरूरी है ये अगर पता नहीं है तो ये दवाएं भी अपना असर कितना दिखाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति अगर सही मात्रा सही डोज में किसी दवा का इस्तेमाल करता है तो 100% रिजल्ट आता है। जैसे सर को आया, दोस्तों ठीक होंगे या नहीं होंगे अलग बात है, पर आकर मिले ही नहीं ये गलत बात है। एक बार आकर मिलिए, जानिए कि इनको कैसे यूज़ किया जाए और आप भी लोगों को मदद कर पाएंगे, लोगों को ठीक कर पाएंगे। SLPS बनाने वाले संजीव सर को धन्यवाद, इन्होंने इतनी अच्छी औषधियों को बनाया। शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिया जिससे आज मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। आज रवि सर और सुदर्शन सर ने मुझे जो गाइडलाइन दी, मेरे कारण से आज मैं सबके काम आ पा रहा हूँ। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।